हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास। माय नेम इज मलिका सेठी। वेलकम टू इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग ऐप अन अकेडमी ऐप। सो होप सब बच्चे पढ़ रहे होंगे, अच्छे होंगे। आज हम करने वाले हैं क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। सो उससे पहले, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप अन अकेडमी पे प्लस सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, प्लस सब्सक्रिप्शन का आपको पता ही है कि जैसे हम ऑफलाइन कहीं कोचिंग लेते हैं तो हम उनको पे करते हैं, वैसे ही अगर आप ऑनलाइन अन अकेडमी पे कोचिंग ले रहे हैं तो आपको प्लस सब्सक्रिप्शन लेना होगा, जिसमें आपको फुल सिलेबस, क्विज, ये सब मिलता है। तो उसको आपको, उस पर आपको 10% ऑफ मिलेगा अगर आप मेरा ये वाला कोड यूज करते हैं, MASE। ओके, तो ये हमारा था कि आपको 10% ऑफ मिले, इससे आपको फायदा ही फायदा है कि आपको जो पे करना होगा उसे 10% ऑफ मिलेगा। सो स्टार्ट करते हैं। मेरी वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, और पढ़ने के बाद अच्छा लगे तो कमेंट भी जरूर कर देना। सो हमारा स्टार्ट फर्स्ट चैप्टर है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शंस होती क्या है? केमिकल वर्ड हमारे यहाँ पे यूज हो रहा है, मीन्स टू टाइप के चेंजेस होती हैं, टू टाइप के वर्ड्स होते हैं हम बात करें साइंस में, कि फिजिकल एंड केमिकल। फिजिकल क्या होता है? फिजिकल मीन्स जिस चीज को हम देख के एनालिसिस कर सकते हैं हमारी आईज से, लाइक कोई थिन है, कोई टॉल है, या कोई ड्राफ्ट है, छोटा मोटा, बड़ा पतला, रंग का अगर हम फर्क करें, ब्लैक, व्हाइट, आईज कलर, ये सब चीजें हम देख के बता सकते हैं, तो वो फिजिकल चेंज होते हैं। बट अगर हम केमिकली बात करें, केमिकल मीन्स जो एटम्स के बीच में, जिस चीज से वो बना है, एटम्स के बीच में अगर कुछ भी चेंजिंग होता है तो हम उसको एनालिसिस देख के नहीं कर सकते। तो केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं? जिसमें केमिकली चेंज होता है। हमने इस चैप्टर में सब में यही पढ़ना है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, मीन्स हम केमिकल रिएक्शन को कैसे राइट डाउन करते हैं। तो ये जस्ट छोटा सा इंट्रो था। नेक्स्ट देखो क्या है, केमिकल रिएक्शन होती क्या है। ए केमिकल चेंज अकर व्हेन ए सब्सटेंस कंबाइंस विद अनदर टू फॉर्म ए न्यू सब्सटेंस, देन केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस। केमिकल रिएक्शन बेसिकली होता क्या है, एक केमिकल चेंज हो रहा है। केमिकल चेंज मैंने आपको बता दिया कि हम उसको देख के, कुछ चीजें ऐसी हैं देख के भी एनालिसिस कर सकते हैं, बट केमिकल चेंज होता कैसे है, जब उनके एटम्स में, लाइक अगर ये पेन की बात करूं मैं, तो ये पेन प्लास्टिक का बना है, तो जो इसके प्लास्टिक के, इसके अंदर जो एटम्स हैं, उन एटम के अंदर कुछ ऐसा चेंज हो रहा है कि एक सब्सटेंस से न्यू सब्सटेंस बन रहा है। लाइक मैंने इसको ब्रेक कर दिया तो ये टू पीसेस बन गए, तो हम इसको फिजिकली देख रहे हैं कि इसके टू पीस बन गए। बट केमिकल चेंज में हमें बोलेंगे कि कोई भी सब्सटेंस अनदर सब्सटेंस से मिला। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल हम ये ले सकते हैं कि मिल्क है, मिल्क का एग्जांपल लेंगे। मिल्क में हमने थोड़ी सी कर्ड ऐड कर दी, ठीक है, इन दोनों ने आपस में रिएक्शन की। रिएक्शन किसके बीच में हुई है? मिल्क के एटम्स के बीच में और कर्ड के एटम्स के बीच में, इन दोनों के बीच में आपस में धक्का मुक्की हुई, रिएक्शन हुई, कुछ भी धक्का मुक्की बोल सकते हो, फाइटिंग बोल सकते हो, इन दोनों के बीच में क्या हुई है, रिएक्शन हुई है, केमिकल रिएक्शन हुई है। कि इसने, कर्ड ने क्या किया, पूरे के पूरे मिल्क को किस में कन्वर्ट कर दिया, कर्ड में मिक्स कर दिया, कर्ड में चेंज कर दिया। तो केमिकल चेंज अकर्स व्हेन ए सब्सटेंस कंबाइंस इन अनदर टू फॉर्म ए न्यू सब्सटेंस, देन केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस। कि मिल्क में हमने क्या मिक्स किया, थोड़ा सा स्मॉल अमाउंट में कर्ड अगर हमने मिक्स किया है, तो उसने क्या किया है, एक सब्सटेंस में जब हमने दूसरा सब्सटेंस मिक्स किया तो हमारा एक नया सब्सटेंस बन गया, जिसे हमने क्या बोला कि केमिकल रिएक्शन हुई है। तो ये एक मिल्क वाला एग्जांपल है। हमारे डेली लाइफ में बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं, हम अभी रीड करेंगे सब। लाइक देखो, पिक्चर में आपको दिख रहा होगा कि वन टोमेटो तो क्या है, रेड है, और ये जो टोमेटो है वो ग्रीन है। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये क्या है, अनराइप है, और ये क्या है, राइप है। इसमें जब केमिकल रिएक्शन होती है, अनराइप टोमेटो में ग्रीन कलर का है, जब इसमें केमिकल रिएक्शन होगी सनलाइट के साथ, उसको एयर के साथ जब ये रिएक्शन होगी, या फिर वो अपने विटामिन, मिनरल्स, ये सब लेके रिएक्शन होगी, तो अनराइप से वो क्या हो जाएगा, राइप हो जाएगा। तो उसमें भी केमिकल रिएक्शन हो रही है। रिएक्शन हुई, चेंज हमें फिजिकली भी दिख रहा है, क्योंकि इसमें कलर क्या है, ग्रीन है, इसमें कलर क्या है, रेड है।
तो फिजिकली चेंज देख के भी हम इसका आइडिया लगा रहे हैं, और इसके अंदर जो फिजिकल चेंज आया है वो आया क्यों है, केमिकल चेंज की वजह से। पहले इसमें केमिकल चेंज हुआ, इसमें रिएक्शंस हुई हैं, केमिकल रिएक्शन के बाद इसका कलर चेंज हो गया, क्या हो गया, रेड हो गया। तो केमिकल रिएक्शन में हम यही बोलते हैं कि इसमें क्या होता है, एक नया सब्सटेंस बनता है, न्यू सब्सटेंस विद न्यू प्रॉपर्टीज, नया सब्सटेंस बनेगा और प्रॉपर्टीज भी उसकी अलग होंगी। मिल्क की बात कर लो, कर्ड की बात कर लो, मिल्क का टेस्ट अलग होगा, कर्ड का टेस्ट अलग होगा। तो ये हमारा केमिकल रिएक्शन था। अब देखो, अगर केमिकल रिएक्शन होती है, हमने बोला कि एक सब्सटेंस से दूसरा सब्सटेंस बनता है, इसका जो मैकेनिज्म है वो क्या है, रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स, कि एटम्स क्या करते हैं, रीअरेंज होते हैं, सिर्फ अपनी पोजीशन चेंज करते हैं, बाहर से कुछ भी नया नहीं आ रहा है। जैसे हमने मिल्क में कर्ड ऐड किया, तो जो मिल्क है उसके एटम्स आपस में चेंज हो रहे हैं। लाइक मिल्क की अगर हम बात करें, तो मिल्क में क्या है, ये लिक्विड होता है, तो इसके एटम्स क्या है, दूर दूर हैं, दूर दूर, एक दूसरे से दूर। बट जब हमने इसमें कर्ड ऐड कर दी, तो इसने आपस में रिएक्शन करवा के इनको क्या कर दिया, पास पास ले, इसलिए जो कर्ड होती है वो क्या होती है, सेमी सॉलिड होती है। तो ओनली रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स टेक प्लेस इन केमिकल रिएक्शन, ओनली हमारे पास क्या होगा, रीअरेंजमेंट होगा। इसका एक ये एग्जाम्पल देखो, आपको इस पिक्चर में दिख रहा है कि हमारे पास लाइक वन एटम ब्लैक कलर का है और टू एटम जो है वो रेड कलर के हैं। पहले इसके अंदर रेड और रेड एटम आपस में एक दूसरे के साथ अटैच थे, बट जब इनके बीच में केमिकल रिएक्शन हुई तो वन रेड यहाँ ब्लैक के साथ आ गया, वन रेड यहाँ ब्लैक के साथ आ गया। तो एटम्स ने क्या कर दिया, अपनी पोजीशन चेंज किया, ओनली रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स हो रहे हैं। तो केमिकल रिएक्शंस में एक चीज आपको लर्न करनी है कि ओनली रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स टेक प्लेस। अब हम देखते हैं कि हाँ, अगर हम केमिकल रिएक्शन के लिए मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछती हूँ, क्या क्या होता है, मिल्क इज लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर्स, अगर हम गर्मियों में दूध को बाहर रख देते हैं तो क्या होता है, जल्दी से मुझे आंसर बताओ। सबको पता है दूध फट जाएगा, दूध की क्या बन जाएगी, पनीर बन जाएगी। सेकेंड मुझे बताओ, अगर हम कोई आयरन का तवा, पैन, नेल, नया नया हम कुछ भी लोहे की चीज लेके आते हैं, उसको अगर हम बाहर एयर में रख देते हैं, एयर में ऑक्सीजन भी है, कुछ वाटर वेपर्स भी है, मॉइस्चर है, तो क्या होगा, सिंपल सी बात है, ये भी हमने सुना हुआ है, हमें पता है ये क्या हो जाएगी, रस्टिंग हो जाएगा। ये हमें पता है कि इसका क्या बन जाएगा, पनीर बन जाएगी, मिल्क जो है वो फट जाएगा। नेक्स्ट आपसे मैं पूछूं कि ग्रेप्स अगर हम बाहर रख देते हैं तो वो क्या हो जाएगी, फर्मेंटेशन हो जाएगी, ग्रेप्स में से अजीब सी स्मेल आती है, ऐसे ग्रेप्स को अगर हम बाहर रख देते हैं तो वो रेजिन्स बन जाती हैं, तो ग्रेप्स भी क्या हो जाएंगी, फर्मेंटेशन, रेजिन्स बन जाएंगी। नेक्स्ट हमारे पास है फूड इज कुक्ड, ये तो हमारा डेली का एग्जांपल है, खाना तो हम सारा दिन ही खाते हैं, कुछ भी बनाना है हम क्या करते हैं, हमारे पास क्या होती है, रोटी होती है, चपाती होती है, उसको हम क्या करते हैं, हीट करते हैं, पहले वो क्या होती है, कच्ची होती है, फिर क्या हो जाती है, पक जाती है, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, केमिकल रिएक्शन हुई है, फूड जो हमारा कुक हो रहा है, बट उसमें केमिकल रिएक्शन हो किससे रही है, हीट से, हमने उसको हीट दी तो उसके जो एटम्स है वो क्या हो रहे हैं, रीअरेंज हो रहे हैं, तो फूड क्या हो रहा है, कुक। तो ये भी एक हमारे पास केमिकल रिएक्शन है। नेक्स्ट, फूड गेट डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी, हम अपना खाना तो खाए जा रहे हैं बट वो हमारी बॉडी के अंदर डाइजेस्ट कैसे हो रहा है, कैसे डाइजेस्ट हो रहा है, उसमें भी हमारी केमिकल रिएक्शन हो रही है। ये हम बायो में करेंगे डाइजेशन का पूरा प्रोसेस, तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो डाइजेशन इज ऑल्सो ए केमिकल रिएक्शन एंड वी रिस्पायर, हम सांस ले रहे हैं, ऑक्सीजन तो हमारी बॉडी में जा रही है, बट वो वर्क क्या कर रही है, हमें एनर्जी किससे मिल रही है, रेस्पिरेशन से मिल रही है, ये भी हम करेंगे। हमारी बायो में C6H12O6, ये डाइजेस्ट, जब डाइजेशन होता है तब फूड ग्लूकोज की फॉर्म में बनता है, देन हमने ये ब्रीथ इन किया, हम सारा दिन क्या करते हैं, सांस ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं, बट उसका काम क्या हो रहा है, हम तो अपना काम कर रहे हैं पर बॉडी हमारा अपना काम कर रही है। तो बॉडी क्या कर रही है, ग्लूकोज को ऑक्सीजन के साथ केमिकल रिएक्शन करके CO2 में ब्रेक कर रही है, H2O में ब्रेक कर रही है, एंड एनर्जी जितना जो ज्यादा खाएगा, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा खाएगा, हेल्दी जितना हम खाएंगे उतनी हमारी हमारा स्टेमिना बढ़ेगा, उतनी हमारी इम्यूनिटी बढ़ेगी, इसलिए क्योंकि ATP एनर्जी मिलती है। अभी तो कोविड का टाइम है, वैसे भी हेल्दी खाना खाना चाहिए, हमें वैसे डॉक्टर्स मना करते हैं कि हमें जंक फूड नहीं खाना चाहिए, ऑयली फूड नहीं खाना चाहिए, इसलिए नहीं खाना चाहिए क्योंकि उससे हमें एनर्जी जो है नहीं मिलती है,
वो हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बनाता है। बट अगर हम हेल्दी फूड खाते हैं तो हमें एटीपी की फॉर्म में एनर्जी मिलती है, जिससे हमारी बॉडी भी हेल्दी रहती है, कोविड से लड़ने की हमें ताकत मिलती है। तो ये सब क्या है, केमिकल रिएक्शंस हैं जो कि हमारी डेली लाइफ में होती हैं, और भी बहुत सारी हमारी डेली लाइफ में होती हैं। कुकिंग का तो अभी हमने एग्जाम्पल कर लिया, रेस्पिरेशन भी अभी हमने किया कि रेस्पिरेशन होता है। रस्टिंग आप अपनी डेली लाइफ में देखते ही हो, या आप करके देख लो, कोई भी लोहे का टुकड़ा आप बाहर रख दो जहां पे मॉइस्चर भी हो, एयर भी हो, थोड़े दिन में ब्राउन हो जाएगा। तो जो उसके ऊपर ब्राउन लेयर आई है वो क्या है, केमिकल रिएक्शन है। ये भी आपको करने के लिए टाइम लगेगा, बट ये तो डेली करते हैं हम मिल्क में थोड़ी सी कर्ड डालेंगे, और उसके लिए भी देखो एक प्रॉपर टेम्परेचर होना चाहिए। अगर मिल्क को भी ज्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, ज्यादा कूल नहीं होना चाहिए, केमिकल रिएक्शंस के लिए भी कुछ ना कुछ कंडीशंस रहती हैं। वैसे फॉर्मेशन ऑफ कर्ड इज ऑल्सो ए केमिकल रिएक्शन। बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, हम क्या कर रहे हैं, पेट्रोल डलवाते हैं बाइक में, कार में, बूम बूम किया चले, बट वो हो क्या रहा है उसके अंदर, पेट्रोल यूज क्या करता है, पेट्रोल क्या करता है, केमिकल रिएक्शन करता है। पेट्रोल से एनर्जी मिलती है हमारे व्हीकल को, जिससे कि वो फ्लो करता है। तो ये हमारे डेली लाइफ में यूज होने वाले सारे केमिकल रिएक्शंस हैं। नेक्स्ट देखो हमारे पास क्या है, जो आपने जो आपके 10th क्लास में बुक्स में है, जो आप लैब्स में भी करेंगे, एग्जाम्पल ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, ये हमने जो अभी किया था वो डेली लाइफ में यूज होने वाले केमिकल रिएक्शंस हैं। जो अभी हमने करना है वो है द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इन द एयर टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। आप अपनी लैब्स में करेंगे ये, कि हमारे पास क्या है, एक मैग्नीशियम रिबन है, लाइक मैं ये आपको एक बता देती हूँ, ये मैग्नीशियम रिबन है, हमने उसको क्या किया, बर्न किया, बर्न किया हमने बर्नर से। कोई भी चीज को आप अगर बर्न करते हो, कोई रिबन है, कोई वुडन है, गर्म करने के बाद हमें क्या मिलता है, ऐश मिलती है। तो जैसे ही ये गर्म होगा, ये बर्न होगा, नीचे हम यहाँ पे एक बाउल रख देंगे जिसमें हमें क्या मिलेगी, ऐश मिलेगी। तो ये जो मैग्नीशियम का रिबन है, मैग्नीशियम प्लस कोई भी चीज अगर बर्न होती है तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है, विदाउट ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कोई भी चीज बर्न नहीं होती। तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या बना देगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देगा। तो ये आप जो देखोगे लैब्स के अंदर करके कि मैग्नीशियम का रिबन ऐसे बर्न हो रहा है, जो हमें ऐश मिल रही है, दिस वन इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 10th क्लास में मोस्टली पूछा जाता है। एक चीज इसमें और पूछी जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट है वो, कि बिफोर बर्निंग इन एयर द मैग्नीशियम रिबन इज क्लीन बाय रबिंग विद सैंड पेपर। व्हाई, हम मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने से पहले सैंड पेपर से क्लीन करते हैं, क्यों, किस लिए क्लीन करते हैं। अब देखो अगर आप कोई चीज को भी बाहर रखते हो, लाइक ये पेन है, पेन को अगर हम बाहर रख देंगे, बिल्कुल बहुत आपने ऐसे रख ही दिया, तो आप देखोगे कि इसके ऊपर मिट्टी हो जाएगी, डस्ट आ जाएगी, आएगी नॉर्मली, चाहे आप इसको जितनी मर्जी क्लीन जगह पे रख दो, बट फिर भी थोड़ी बहुत तो डस्ट आएगी। तो लाइक दिस, अगर हम मैग्नीशियम रिबन को यूज कर रहे हैं, तो मैग्नीशियम रिबन जो है उसकी टेंडेंसी है कि एयर के अंदर जो प्रेजेंट गैसेस हैं, लाइक O2 हो गया, CO2 हो गया, N2 हो गया, ये सब जो गैसेस हैं वो मैग्नीशियम रिबन के सरफेस पे रिएक्शन करेंगी। अगर हम उसे बाहर रख रहे हैं तो वो थोड़ी 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 बहुत क्या करेंगी, रिएक्शंस करेंगी, और इनके ऊपर एक लेयर बन जाएगी मैग्नीशियम कार्बोनेट की, क्योंकि वो बाहर पड़ा हुआ है, वो लैब में पड़ा है, तो वो इन्वायरमेंट के साथ रिएक्शन करेगा। तो जो ये हमारे पास लेयर है मैग्नीशियम कार्बोनेट की, उसको हम रिमूव करें, ताकि जो हमें प्रोडक्ट मिले वो हमारा प्योर प्रोडक्ट मिले। हम इसको रिमूव करने के लिए, इसकी जो आउटर लेयर को रिमूव करने के लिए, मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने से पहले सैंड पेपर से क्लीन करते हैं। तो क्या है, बिफोर बर्निंग इन एयर द मैग्नीशियम रिबन इज क्लीन बाय रबिंग विद सैंड पेपर। This is done to remove the protective layer of basic magnesium carbonate from the surface of the magnesium ribbon. बहुत important है ये। आपसे teachers मायवा में पूछ सकते हैं कि magnesium ribbon को clean क्यों करते हैं, तो simple सा कि magnesium की जो protective layer है, protective layer means जब ये reaction कर लेते हैं ऊपर, तो ये magnesium ribbon क्या रहता है, safe रहता है, ज्यादा reaction नहीं होती है, बस एक layer बन जाती है, उस layer को remove करने के लिए हम magnesium ribbon को क्या करते हैं, clean करते हैं पहले। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। अब देखो अगर हम कोई केमिकल रिएक्शन, ये मैंने आपको जो लिख के बता यहाँ पे राइट डाउन की हुई है, दिस वन इज केमिकल इक्वेशन,
क्योंकि ये शॉर्ट फॉर्म में है, तो ये क्या है, केमिकल इक्वेशन की फॉर्म में है। बट अगर आप इस केमिकल रिएक्शन लिखेंगे तब हमारी इस फॉर्म में होगी, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन क्या बना रहा है ये, और ये एरो किस लिए ऊपर जो है वो ट्रायंगल किस लिए, ये हीट को रिप्रेजेंट करती है। कभी भी आप साइंस में ये करेंगे, हीट लिखेंगे नहीं, हीट के लिए आप एक ट्रायंगल यूज करेंगे। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलके क्या बना रहे हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएंगे, ये हमारा क्या है प्रोडक्ट। अब व्हाट इज रिएक्टेंट एंड व्हाट इज प्रोडक्ट, रिएक्टेंट्स क्या होते हैं, रिएक्टेंट सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट। जब कोई रिएक्शन हो रही है तो जो पार्टिसिपेंट कर रहे हैं, लाइक मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, पार्टिसिपेंट कर रहे हैं, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलके ही आपस में कुछ कर रहे हैं दोनों हैं, तो इन दोनों को हम बोलेंगे कि ये रिएक्टेंट्स हैं। और जो न्यू सब्सटेंस बना है, कौन सा सब्सटेंस बना है, यहाँ न्यू मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसे हम प्रोडक्ट बोलते हैं। ये हमारे पास क्या है, रिएक्टेंट्स हैं, जिसे मैं कैपिटल आर से डोनेट कर रही हूँ, दीज आर प्रोडक्ट, जिसे मैं पी से डोनेट कर रही हूँ। रिएक्टेंट को ऑलवेज लेफ्ट हैंड साइड पे लिखते हैं, प्रोडक्ट को ऑलवेज राइट साइड पे लिखते हैं। इनको अगर हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो हम एक एरो लगाते हैं, तो क्या है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, इसको हम एक केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। आगे करेंगे हम, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ था तो आपको मेंशन कर दिया ये। तो दीज आर रिएक्टेंट्स, दीज आर प्रोडक्ट्स, एंड रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर डिफरेंशिएट बाय एरो। एक चीज और देखो, आप देख रहे हो कि यहाँ हमारे पास एस लिखा है, यहाँ पे जी राइट डाउन है, यहाँ पे एस है, तो इनका मीनिंग क्या है, हमें ये इंडिकेट करना होता है पूरी इक्वेशन में कि जो हम मैग्नीशियम रिबन ले रहे हैं वो किस फॉर्म में है, तो वो किस फॉर्म में है, सॉलिड की फॉर्म में है, तो हमने स्मॉल एस यूज किया। हमें पता है स्टेट्स कौन सी होती हैं, थ्री टाइप की स्टेट्स होती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड को हम स्मॉल एस, लिक्विड को एल और गैस को जी से डोनेट करते हैं। तो ऑक्सीजन किस फॉर्म में, गैस की फॉर्म में है, तो जी, और MgO जो हमें प्रोडक्ट मिला है वो क्या है, वो हमारे पास सॉलिड की फॉर्म में है, तो हमने S इंडिकेट कर दिया। तो ये आपकी केमिकल रिएक्शन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैग्नीशियम ऑक्साइड कैसे बना, उसे हम पहले क्लीन क्यों करते हैं, तो ये चीज आपको टिप्स पे होनी चाहिए कि हम उसको क्लीन इसलिए करते हैं कि जो उसके ऊपर प्रोटेक्टिव लेयर होती है उसे रिमूव कर सके। रिएक्टेंट्स क्या होती हैं, जो पार्टिसिपेंट करती हैं। प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, जो न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है उसे हम प्रोडक्ट बोलते हैं। इसमें जो हमारा प्रोडक्ट है वो क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है। और रिएक्टेंट्स को ऑलवेज हम कहाँ पे लिखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे, और प्रोडक्ट को कहाँ पे लिखते हैं, राइट हैंड साइड पे। और दोनों को डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं, एरो से करते हैं। ये तो हमारा था केमिकल रिएक्शन। अब हमारे को पता कैसे चलेगा कि केमिकल रिएक्शन हो रही है या नहीं हो रही, हम कुछ फिजिकली भी तो देखेंगे ना। जैसे मैंने अभी टमाटो का एग्जांपल लिया था कि उसका कलर चेंज हो गया, तो केमिकल रिएक्शन हो रही है या नहीं हो रही उसको आप कैसे बताओगे, उसके लिए हमें 5 करैक्टरिस्टिक्स हैं वो आपको लर्न होने चाहिए। फर्स्ट वन इज एवोल्यूशन ऑफ गैस। अगर कुछ ऐसी रिएक्शन हो रही है, गैस निकल रही है, हम कोई भी लैब्स में काम कर रहे हैं, हम कुछ घर पे काम कर रहे हैं, किचन में आप काम कर रहे हो, लाइक आपको अगर माइंड में याद रखना है व्हाट इज केमिकल रिएक्शन, तो हमने किचन में काम किया, गैस निकल रही है, एवोल्यूशन ऑफ गैस हो रहा है, तो डेफिनेटली वहां पे केमिकल रिएक्शन हो रही है। सेकेंड, अगर कलर चेंज हो रहा है, कोई भी हमने कोई भी लैब वर्क किया, कुछ किया, कलर चेंज हो गया, इवन अगर हम घर पे क्लॉथ वॉश करते हैं, तो आप घर पे अभी करके देखना, ये करने के बाद कि उसके ऊपर थोड़ी सी सब्जी लग गई तो वो क्या हो जाएगा, येलो कलर। बट अगर आप उसके ऊपर सोप को रब करोगे तो इमिडिएटली रेड कलर हो जाएगा। तो क्या हो गया, वो येलो से रेड कलर हो गया, तो उसके अंदर क्या हो रही है, केमिकल रिएक्शन हो रही है, क्योंकि वो सोप के साथ रिएक्शन कर रहा है। तो कलर चेंज हो रहा है तो भी केमिकल रिएक्शन हो रही है। नेक्स्ट, चेंज इन स्टेट ऑफ सब्सटेंस, स्टेट चेंज हो रही है, लिक्विड से गैस बन रहा है, सॉलिड से लिक्विड हो रही है। लाइक अगर हम वाटर को बॉईल करते हैं, वाटर को बॉईल करेंगे तो उसमें क्या होगा, वेपर्स निकलेंगे, तो वो भी एक केमिकल रिएक्शन हो रही है। स्टेट चेंज हो रही है, केमिकल रिएक्शन हो रही है। चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर हाई हो रहा है, लो हो रहा है, देन केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट बन रही है, तभी हम बोलेंगे कि केमिकल रिएक्शन हो रही है। तो आपको ये करैक्टरिस्टिक्स होने चाहिए टिप्स पे, क्योंकि इसके बाद हमें इसकी रिएक्शंस भी करनी है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए फॉर्मेशन ऑफ गैस। कोई भी चीज लर्न करनी है ना,
पढ़ने के बाद उसको आईज क्लोज करो, फिर अपने अपने माइंड में उस चीज को बिठाने के लिए मुंह बंद करके एवोल्यूशन ऑफ गैस हो रही है, केमिकल रिएक्शन, कलर चेंज हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रही है, टेम्परेचर चेंज हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रही है, प्रेसिपिटेट बन रहे हैं, केमिकल रिएक्शन हो रही है, स्टेट चेंज हो रही है, केमिकल रिएक्शन. तो ये 5 पॉइंट्स आपके टिप्स पे होने चाहिए कि केमिकल रिएक्शन हो रही है हमें कैसे पता चलेगा. तो एवोल्यूशन ऑफ गैस, चेंज इन कलर, चेंज इन स्टेट ऑफ सब्सटेंस, चेंज इन टेम्परेचर, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, ये 5 करेक्टरिस्टिक्स हैं जिससे हमें पता चलता है कि केमिकल रिएक्शन हो रही है. इसका एग्जाम्पल है एवोल्यूशन ऑफ गैस का. देखो हमने क्या क्या, एक फ्लास्क लिया, उसमें हमारे पास क्या है, डाइल्यूट H2SO4 है. जब हम उसमें जिंक के ग्रैनुल्स डालेंगे, इसके हम रिएक्शन भी लिख सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास क्या है, H2SO4 डाइल्यूट फॉर्म में है, मींस उसमें वाटर ऐड है, मैक्सिमम वाटर है और एसिड कम है. जब हम इसमें जिंक के ग्रैनुल्स डालेंगे तो ये SO4 ZN के साथ रिएक्शन करके क्या बना देगा, ZnSO4 प्लस में H2 बनाएगा. तो हमारे पास क्या प्रोडक्ट बन रहा है, ZnSO4, बट H2 गैस क्या हो रही है, रिलीज हो रही है. H2 गैस अगर रिलीज हो रही है तो हम बोलेंगे कि हमारी केमिकल रिएक्शन हो रही है. तो अगर ये गैस रिलीज नहीं होती तब हम बोलते कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रही, बट इसमें क्या हो रही है, गैस रिलीज हो रही है. तो ये हमारे को फर्स्ट इसका जो है हमारा करेक्टरिस्टिक शो हो रहा है, तो हम बोलेंगे कि केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस. उसके बाद सेकेंड देखो, चेंज इन कलर. चेंज इन कलर मैंने आपको अभी बताया है, बट हम एक एग्जाम्पल लेते हैं लीव्स का. आपने देखा होगा कि ग्रीन ग्रीन लीव्स होती हैं, जब उसके पत्ते सूख जाते हैं लीव्स, तो वो येलो हो जाती है. क्यों? क्योंकि उसके अंदर, अभी जो टोमेटो का एग्जाम्पल लिया वो भी कलर चेंज था, इसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट है बट इसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं है, इसमें एब्सिसिक एसिड प्रेजेंट है. एब्सिसिक एसिड अगर प्लांट्स में ज्यादा हो जाता है तो उसके जो कलर है वो चेंज हो जाता है, मींस ये पत्ता जल चुका है, इसकी अब कोई भी फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही. तो इसमें ग्रीन कलर से क्या हो गया, येलो कलर, तो कलर चेंज हो गया, मींस इसमें कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन हुई है. देन चेंज इन स्टेट ऑफ सब्सटेंस. कैंडल हम घर पे चलाते हैं, अभी आजकल कोई नहीं जलाता, तो आपने दिवाली पे तो देखा ही होगा हम कैंडल बर्न करते हैं, तो वो इस टाइप से क्या हो रहा है, उसकी जो ये चीज जो मेल्ट हो जाती है, उसकी वैक्स जो है मेल्ट होती है, तो वो लिक्विड फॉर्म में यहाँ ऐसे आ जाती है साइड पे. तो इसमें क्या हो रही है, स्टेट चेंज हो रही है. ये सबसे पहले क्या थी, सॉलिड थी, सॉलिड से किस फॉर्म में आ रही है, लिक्विड फॉर्म में. तो उसमें भी एक केमिकल रिएक्शन हो रही है, केमिकल रिएक्शन की वजह से वो क्या हो रही है, मेल्ट हो रही है. तो ये क्या, स्टेट चेंज हो रही है, तो भी केमिकल रिएक्शन. नेक्स्ट है हमारे पास चेंज इन टेम्परेचर. अभी इसको तो देखो हमें थर्मामीटर लगाने की जरूरत ही नहीं है, हमें वैसे ही पता चल जाएगा. घर में हम गैस के ऊपर अगर कोई भी पानी का बाउल रखते हैं, उसको 5-10 मिनट अगर गैस रखते हैं, तो वाटर क्या हो जाएगा, बॉयल होने लग जाएगा. बॉयल हो रहा है मीन्स उसका टेम्परेचर क्या हो रहा है, हाई हो रहा है. टेम्परेचर हाई हो रहा है मीन्स उसकी केमिकल रिएक्शन हो रही है उसके अंदर. तो टेम्परेचर चेंज मीन्स केमिकल रिएक्शन अकर्स. फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट. प्रेसिपिटेट होते क्या है, देखो सबसे पहले सॉल्यूशन, 3 टाइप के हमारे पास लिक्विड्स होते हैं. सॉल्यूशन क्या होता है, होमोजीनियस, हम होमोजीनियस की बात करते हैं ओनली, जिसमें हमारे पास पूरा का पूरा लिक्विड जो होगा वो एक जैसा होगा. यहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम है, तो उसे हम सॉल्यूशन बोलते हैं. बट अगर हम सस्पेंशन की बात करें तो कुछ पार्टिकल्स यहाँ होंगे, कुछ पार्टिकल्स ऐसे पूरे मर्ज होते हैं. लाइक अगर हम बात करते हैं वाटर के अंदर, अगर आप मिट्टी डालते हो तो वो थोड़ी देर तक ऐसे ही रहती है, सारे के सारे जो मिट्टी के कण हैं यहाँ 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 एटम्स जो हैं वो ऐसे पूरे के पूरे बीकर में होते हैं. प्रेसिपिटेट्स क्या होते हैं, पूरा लिक्विड तो जो होगा वो क्लीन क्लीन होगा, बट जो ये प्रेसिपिटेट हैं वो यहाँ पे आ जाएंगे, मतलब सिर्फ नीचे नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे. इसके लिए हम रिएक्शंस करेंगे, अभी जस्ट आपको करैक्टरिस्टिक्स करने हैं कि प्रेसिपिटेट बनते हैं, चेंज इन कलर होता है, ये सब. इसके लिए रिएक्शंस हैं आपकी, रिएक्शन करने से पहले ये आपको बेसिक क्लियर होना चाहिए कि व्हाट इज प्रेसिपिटेट और प्रेसिपिटेट बनते हैं, व्हाट प्रेसिपिटेट होते क्या हैं, देन हम केमिकल रिएक्शन करेंगे. तो फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट इज ऑल्सो ए केमिकल रिएक्शन. तो ये हमारा सारा था केमिकल रिएक्शन का पार्ट, एक बार हम फिर रिवाइज कर लेते हैं. बहुत सिंपल है, आपको सिर्फ 3 चीजें याद रखनी है, केमिकल रिएक्शन के अंदर होता क्या है, केमिकल रिएक्शन में क्या हो रहा है. सबसे पहली चीज आपको याद रखनी है, रीअरेंजमेंट हो रहा है.
एटम्स में क्या हो रहा है, रीअरेंजमेंट। एटम सिर्फ मूवमेंट कर रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। नेक्स्ट हमने क्या किया था, जो हमारे डेली लाइफ में केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं वो आपको पता है। इसका जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है, एवोल्यूशन ऑफ गैस, एवोल्यूशन ऑफ गैस। अगर गैस रिलीज हो रही है तो केमिकल रिएक्शन हो रही है। कलर चेंज हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रही है। टेम्परेचर चेंज हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रही है। स्टेट चेंज हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रही है। प्रेसिपिटेट बन रहे हैं, केमिकल रिएक्शन हो रही है। और जो डेली लाइफ के एग्जाम्पल्स हैं, फ्यूल बर्न हो रहा है, हमारा खाना डाइजेस्ट हो रहा है, हमारा खाना बन रहा है, मिल्क से कर्ड बन रही है। फ्रूट्स अगर हम अनराइप घर पे ला रहे हैं तो वो राइप हो जाते हैं। बनाना हम कच्चे लेके आते हैं, बोलते हैं दो दिन बाद ठीक हो जाएगा, तो उसकी केमिकल रिएक्शन होती है। तो ये सारी केमिकल रिएक्शंस हैं और केमिकल रिएक्शंस की सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। होप आपको केमिकल रिएक्शन जो है वो क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है वो है केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन होता क्या है, जो भी हमने केमिकल रिएक्शन की है, जैसे हमने बोला कि मिल्क को हमने किसमें कन्वर्ट किया, कर्ड में, ये हमारे डेली लाइफ के हैं। इसको हम केमिकल इक्वेशन की फॉर्म में ऐसे ही बता सकते हैं, क्योंकि मिल्क का फॉर्मूला, कर्ड का फॉर्मूला लिख के हम नहीं बताएंगे। अब हमने इसको साइंटिफिकली फॉर्म में करना है कि लाइक हम मैग्नीशियम की बात कर रहे थे कि मैग्नीशियम प्लस में ऑक्सीजन और क्या बना रहा है, ये MgO बना रहा है। तो हम क्या करेंगे, एक पूरा का पूरा मैग्नीशियम ऑक्सीजन और एक्सवाइजिन इस फॉर्म में नहीं लिखेंगे, हम केमिकल रिएक्शन को एक रिप्रेजेंट वे में, शॉर्ट फॉर्म में जिसको हम लिखते हैं, तो उसे हम बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन यूजिंग सिंबल्स एंड फॉर्मूला ऑफ ए सब्सटेंसेस इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। कि हम उसको सिंबल्स की फॉर्म में या फॉर्मूला की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो हम उसे क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। अब आपको अपने आप ऑटोमेटिकली, लाइक मैंने अगर टी बनाई है तो टी के लिए मुझे क्या चाहिए, मिल्क चाहिए। मिल्क प्लस में हमें को क्या चाहिए, शुगर चाहिए। प्लस मुझे क्या चाहिए शुगर के साथ, शुगर के साथ मुझे पत्ती चाहिए। प्लस मुझे वाटर चाहिए, जिंजर, और कुछ भी आप ऐड कर सकते हो। हमने जिंजर भी ऐड कर दी, ये सब हमने ऐड की। तो अब हमें, अगर मैं आपको इस फॉर्म में लिख रही हूँ तो आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा ये सब वापस में मिल रहे हैं, मीन्स ये सारे इंग्रेडिएंट्स हैं, ये सारे रिएक्टेंट्स हैं। जो नया प्रोडक्ट बन रहा है वो क्या बन रहा है, टी बन रहा है। तो हमने उसको एक रिप्रेजेंट वे में लिख दिया कि जो भी हमें चाहिए, जो भी हमें रिक्वायर्ड है कुछ करने के लिए, उसे हम लेफ्ट साइड पे लिखेंगे, दीज आर रिएक्टेंट्स। और जो न्यू प्रोडक्ट बनेगा उसे हम राइट साइड पे लिखेंगे, जो कि प्रोडक्ट है जिसकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल डिफरेंट है। और हम इसको डिफरेंशिएट करने के लिए हमने क्या लगा दिया, एक एरो लगा दिया। फॉर एग्जाम्पल हमें बता रखा है कि ए प्लस बी और सी प्लस डी। तो ये थी केमिकल इक्वेशन की केमिकल रिएक्शन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है ये ए और डी को हम रिएक्टेंट बोलेंगे, सी और डी को हम प्रोडक्ट बोलेंगे, और इन दोनों को डिफरेंशिएट करने के लिए एरो की फॉर्म में शो करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जो केमिकल रिएक्शंस होती है ना, केमिकल इक्वेशन भी होती है, उन वो भी टू टाइप की होती हैं। फर्स्ट वन इज बैलेंस्ड केमिकल और सेकेंड वन इज अनबैलेंस्ड। बैलेंस और अनबैलेंस आपको पता है, हम अगर वे करते हैं किस भी चीज को, वे करते हैं वेजिटेबल्स लेने जा रहे हो, बैलेंस क्या है, यहाँ पे अगर हमारे पास 1 kg है तो यहाँ भी हमारे पास क्या होना चाहिए, 1 kg होना चाहिए। मास इक्वल होना चाहिए, वेट इक्वल होना चाहिए, तो हम इसको बैलेंस बोलेंगे। अगर हमारे पास ऐसा कुछ है, यहाँ पे हमारे पास 2 kg है, ओके, और यहाँ हमारे पास क्या 5 kg है, तो ये डाउन हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा, स्टेप्स हो जाएगा। तो हमें पता है कि दिस इज बैलेंस्ड एंड दिस वन इज अनबैलेंस्ड। ये बैलेंस है और ये अनबैलेंस्ड है। वैसे ही हम रिएक्शन की बात करेंगे कि अब अगर हम बैलेंस की बात करते हैं तो हमारे पास लाइक ए प्लस बी क्या है, सी प्लस डी कुछ प्रोडक्ट बना रहे हैं। और अनबैलेंस्ड की बात करें तो ए प्लस बी प्रोडक्ट में हमारे पास 2 C + 2 D बना रहे हैं। जस्ट मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ क्योंकि ये एक जैसे होने चाहिए, यहाँ पे डिफरेंट है। अब यहाँ पे देखो, या हम ए से अगर सी बन रहा है, बी से अगर डी बन रहा है, तो सब क्या है, 1 1 1 1 है। यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है। मान लो यहाँ पे भी 2 एटम है और यहाँ पे भी क्या है, 2 एटम है, तो ये दोनों इक्वल है।
बट यहाँ पे देखो कितने एटम है, टू, और यहाँ पे कितने एटम है, फोर. तो ये वाली जो रिएक्शन होगी वो क्या होगी, बैलेंस्ड होगी, और जो ये वाली रिएक्शन होगी वो क्या होगी, अनबैलेंस्ड होगी. मैं आपको जस्ट एक वो बता रही हूँ कि बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड में क्या फर्क है. आपको ऐसे पता है बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड का, कोई बड़ी बात नहीं है बताना. बट रिएक्शन की फॉर्म में भी नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट शुड बी इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट. ठीक है, अगर इक्वल है देन बैलेंस्ड, अगर अनइक्वल है तो अनबैलेंस्ड. तो बैलेंस्ड इक्वेशन हैज द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट इक्वल ऑन बोथ साइड्स. रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में दोनों इक्वल होने चाहिए. लाइक देखो यहां हम बात करते हैं रिएक्टेंट की और यहां बात करते हैं प्रोडक्ट की. ZN में कितने एटम है, 1. हाइड्रोजन के कितने एटम है, 2. सल्फर के कितने एटम है, 1. ऑक्सीजन के कितने एटम है, 4. ये आपको ऐसे देखना होगा. यहाँ पे ZN के कितने एटम है, 1. S के कितने एटम है, 1. ऑक्सीजन के कितने एटम है, 4. हाइड्रोजन के एटम है, 2. अब देख लो, मैच कर लो. यहाँ भी 1 है, सेम है. यहाँ भी 1 है, सेम है. यहाँ ऑक्सीजन के 4 है, सेम है. और सल्फर के सेम है. तो नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट में भी सेम है, प्रोडक्ट में भी सेम है, तब हम इसको बोलेंगे बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन. नेक्स्ट वन इज अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन. If the number of atoms of each element in reactant is not equal to the number of atom of each element present in the product, then chemical reaction is called unbalanced chemical reaction. अब देखो इसमें अगर हम बात करते हैं reactant की and product की, number of atoms हम write down करते हैं क्या है. Iron में 1 है, hydrogen में 2, oxygen में 1. Iron के कितने हैं, 3. Oxygen के कितने हैं, 4. Hydrogen के कितने हैं, 2. अब देखो आयरन के 1, आयरन के 3, ये भी अनबैलेंस्ड है. हाइड्रोजन के 2, हाइड्रोजन के 2, ये इक्वल है. ये 1 है, ये 4 है, ये इक्वल नहीं है. तो ये रिएक्शन जो है वो क्या होगी, अनबैलेंस्ड, क्योंकि इसमें जो नंबर ऑफ एटम्स है रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में इक्वल नहीं है. तो हमें क्या करना पड़ेगा, अनबैलेंस्ड रिएक्शन को हमें बैलेंस्ड करनी होगी. वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे कि अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को आप बैलेंस कैसे कर सकते हो. अभी तक आपका इतना ही कि आपको बेसिक करा दिया कि व्हाट इज बैलेंस्ड, व्हाट इज अनबैलेंस्ड. होप आपको समझ आया होगा अच्छे से. अगर समझ आया तो मुझे कमेंट सेशन में जरूर बताना. चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर भी कर दो. और अगर किसी ने अनअकैडमी ऐप को अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो गूगल प्ले स्टोर पे, ऐप स्टोर पे, सब जगह ये अवेलेबल है. आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और ये कोड भी यूज कर सकते हैं. लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो. थैंक यू, बाय बाय.